नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर जिला लघु सचिवालय में डीएसपी राजीव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 26 दिसंबर को गांव बुढ़िया के छात्र सोहेल पर हुए जानलेवा हमले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। छात्र सोहेल के पिता इसरार की शिकायत पर इन आरोपियों पर हत्या का प्रयास और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनकी पहचान दिग्विजय सिंह राणा पुत्र रणबीर सिंह निवासी राजपूताना मोहल्ला बुढ़िया, देवपुत्र जयप्रकाश निवासी गांव कनालसी वर्तमान अमर सिंह खटेक मोहल्ला बुढ़िया थाना बुढ़िया और विपुल कम्बोज पुत्र राम कुमार निवासी गांव माली माजरा के रूप में हुई। डीएसपी राजीव ने जानकारी देते हुए बताया कि बुढ़िया के गांव दयालगढ़ का निवासी घायल छात्र सोहेल मूनफोर्ड पब्लिक स्कूल बुढ़िया में 10वीं कक्षा में पढ़ता है। 26 दिसंबर को वो स्कूल से छुट्टी कर अपने दोस्त के साथ बुढ़िया रोड से घर लौट रहा था। इस दौरान कार में 4 युवक आए। इन युवकों ने पहले उसे कार की टक्कर मारी। इसके बाद 3 युवक उतरे और उस पर रॉड और डंडों से हमला बोल दिया था। हमलावरों ने उसकी टांगे और बाजू तोड़ डाली। बाद में वे कार लेकर फरार हो गए थे। इन हमलावरों में 2 की पहचान बुढ़िया निवासी दिग्विजय सिंह राणा देव और विपुल कम्बोज के रूप में हुई थी। बुढ़िया थाना पुलिस ने सोहेल के पिता इसरार की शिकायत पर इन आरोपियों पर हत्या का प्रयास और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया है। 2 आरोपियों की अन्य के रूप में पहचान हुई है, जिन्हें पुलिस की ओर से जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घायल छात्र की हालत अभी ठीक नहीं है, उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। तो आप सब वाकिफ भी हैं, एक FIR नंबर 276/22 थाना बुढ़िया में रजिस्टर हुई थी और इस पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो गाड़ी इस घटना में प्रयोग हुई थी वो पहले ही बरामद कर ली थी। और कल इस घटना में जो 3 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, उनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उनको आज ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया जा रहा है फर्दर रिमांड के लिए उनका। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, फॉर रेफरेंस मैं बता देता हूँ, दिग्विजय राणा ये बुढ़िया के निवासी हैं, देव सैनी हैं ये कनालसी के हैं, हाल जो आबाद बुढ़िया में रहना तस्दीक हुए हैं। इसके अलावा एक विपुल काम्बोज है माली माजरा के रहने वाले, ये तीनों इस घटना में संलिप्त थे। इन तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बकाया आरोपी हैं, 2 अन्य का नाम और सामने आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस पैरेलली कर रही है, जिनको भी शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर क्या सामने आया, किस वजह से मारपीट हुई? इनका कोई पहले विवाद था, कोई रंजिश थी इसमें जो दिग्विजय राणा है उसके साथ, तो उसमें बाकी ये सारे इसके मतलब इसके साथी है, इन्होंने फिर हम मशवरा होकर इस वारदात को अंजाम दिया है और बाकी थोरो इन्वेस्टिगेशन इसकी अभी अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से इनको इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट करके ऑनरेबल कोर्ट में इनका चार्जशीट सबमिट की जाएगी। आरोपियों में कोई माइनर भी है? नहीं, अभी तक इनका माइनर वाला कोई सामने नहीं आया है। इनमें से एक आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हमने जो अपने थाने है थाने से प्राप्त की है, एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बाकी का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने अभी तक नहीं आया है, बाकी तफ्तीश जारी है। इनमें कोई स्कूल में पढ़ने वाला भी है? नहीं, ये सारे अपना जो है काम वगैरह ही करते हैं और इसके दिग्विजय राणा जो है इसके साथी हैं और इसी तरह की बात सामने आई। तो सर ऐसा भी सामने आ रहा है कि यहाँ पे जो है जो आरोपी है उनका स्कूल वाले से कोई रिलेशन है, किसी प्रकार का कोई पारिवारिक संबंध? वो तफ्तीश का विषय, स्कूल को आप इस चीज से सेक्लूडेड करिए, ये आपसी रंजिश का मामला है, उस रंजिश के तहत ही इस घटना को अंजाम दिया गया है और उसमें जो आरोपी है मैं आपको बता देता हूँ, 3 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपी अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में 2 अन्य का नाम और सामने आया है उनकी गिरफ्तारी बकाया, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये पुरानी रंजिश का क्रिमिनल रिकॉर्ड में किसका नाम है? क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो मैं आपको प्रेस नोट पे दे दूंगा, एक व्यक्ति है मैं उनका उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। किस तरह का? वो हार्ट केस ही है जी, लड़ाई झगड़े का केस ही है, वो सामने आ रहा है। सर छात्र की हालत कैसी है जिस पर? अभी ही इज अंडर ट्रीटमेंट और उसका अपना ट्रीटमेंट उसी दिन से चल रहा है, ही स्टेबल। कल उसकी स्टेटमेंट भी हमने ली थी, स्टेटमेंट लेने के बाद इसमें जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो भी ऐड हुए हैं और इसका जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो भी हमने ऑन पोजीशन इन पोजीशन ले लिया और ऑन रिकॉर्ड लेके इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। स्टेटमेंट में क्या कुछ बताया था? वो जो आप इनका को जो मतलब जो लोग झगड़े में शामिल थे, जो मारपीट में शामिल थे, इस तरह की उसकी अपना पुरानी एनमिटी थी, उस बात पहले थी जो रजिश मैं बता रहा हूँ, पर ये जो इन्होंने किया है ये इसको प्लान करके और देन इस पे इसकी इसके साथ मारपिटाई की है,
और जो जिसका एक सीसीटीवी एविडेंस भी है वो आप सबने देखा ही होगा। तो एक प्लान करके उन्होंने इस पर अटैक किया है, पुरानी रंजिश करते, पहले कोई इस तरह की कोई एप्लीकेशन पुलिस के पास इस रेफरेंस में नहीं है। छात्र के साथ साथी भी है कोई साथ में? छात्र अकेला था जो अभी जिसके साथ मारपीट हुई है वो अकेला है, बाकी जैसे उस टेबल होगा उसको फर्दर हम उसको दोबारा थोड़ा पूछताछ करेंगे वेदर उसके साथ उसको कोई साथी था जो कैन बी यूज एज अ विटनेस आल्सो, वो भी हम इस एंगल को भी देख रहे हैं। धाराएं कौन से लगाई गई और पहले क्या थी धाराएं? जो पहले स्टेटमेंट थी उस हिसाब से सेक्शन 323, 148, 149। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।